देख सकते हैं इसको, दुल्हा ऐसा दिख रहे, लग रहे हैं नीचे सुपर, मतलब एक ही पहने ना व्हाइट व्हाइट जो उसे लग रहे हैं पूरा। और दोस्तों मतलब रास्ते में भी आते मतलब आ रहे थे ना उधर से, तो मतलब भाभी हम लोग पूरा एकदम हमको बोल रहे थे कि कहा मतलब शादी उदी करके आए हैं, कहा एकदम पूरा मतलब ऊपर से नीचे पूरा सफेद सफेद बने हैं ना, ऐसा लग ही रहे पूरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती बाड़ी वाला ब्लॉग में। और दोस्तों देख सकते हैं हम लोग अभी दौड़ के जा रहे हैं, मतलब दोनों जानवरों को खोले ना उसके बाद बहुत ही तेज दौड़ा, देख सकते हैं अभी दौड़ रहा उधर आगे आगे, मतलब कि ना पापा जी मतलब पोरा ला दे रहे थे दोनों जानवरों के लिए सुबह सुबह, तो मतलब आधा रास्ता में भेंट आ गए, तो मतलब पापा पोरा फिर से घुमा के ले जा रहे हैं ना, तो देख सकते हैं दौड़ के जा रहा है, हम लोग भी दौड़ रहे पीछे पीछे। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं पापा जी वहाँ पर चले गए उधर जहाँ पर कूदते हैं वहाँ पोरा लेके, तो पापा के पीछे पीछे दोनों जानवर एकदम पूरा स्पीड कूद दौड़ रहे हैं। अरे उधर लग खेदो तुम, और मेरा साथ आज़ाद भी है। दोस्तों देख सकते हैं दौड़ के यहाँ पर पहुँच गया, साइकिल के पीछे पीछे पूरा दौड़ रहा था इन लोग, और पूरा यहाँ पर रख दिए, अब इन लोग खाएगा। दोस्तों पापा उन दोनों जानवरों को मतलब कूट देंगे और पूरा खिलाएंगे, और हम लोग दोनों जाएंगे ग्राउंड में। तो चलिए दोस्तों अब ग्राउंड में जाके मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं ग्राउंड में, और देख सकते हैं रुमाल बांध दिया, कोरोना पकड़ लिया कार तेरे को, इसका रुमाल देख सकते हैं हमेशा रुमाल लेके घूमते रहता है, हीरो है हीरो आजाद का काय रुमाल बांधता मुँह काय बांधता, खांसी पकड़ लिया है दोस्तों, खांसी पकड़ लिया है इसलिए ये रुमाल बांधता, बढ़िया करता है जब मतलब लोगों के सामने मतलब छिकेगा तो किसी को इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। वाह बहुत बढ़िया है, रुमाल से मतलब बहुत ही अच्छा बचाव होगा खुद के और दूसरों के लिए भी। दोस्तों अब यहाँ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, और देख सकते हैं पानी आज भी मतलब पूरा जबरदस्त गड़बड़ गया है, और एकदम धूप नहीं निकला और एक्सरसाइज वगैरह सब हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर। अब दोस्तों हम लोग दोनों घर पहुंच चुके हैं, चलिए अब मुँह कान धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर खाना पीना खाएंगे, जोरों से भूख लग चुका है अब। दोस्तों मस्त धोता के खाना पीना सब हो चुका है, और देख सकते हैं सीटर राइस थोड़ा ठीक ठाक लग रही है, मतलब कल एकदम पूरा एकदम सुबह से शाम तक एकदम पूरा गुमसुम थी, आ जाते हैं थोड़ा बहुत ठीक है। कैसा लग रहा है अभी? अभी ठीक लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग का खाना वाना सब कुछ हो चुका है, हम लोग अब दोनों भाई बहन खाना खा चुके हैं। और भैया कैसा लग रहा है? देख सकते हैं इसको, दुल्हा ऐसा दिख रहे, लग रहे हैं नीचे सुपर, मतलब एक ही पहने ना व्हाइट व्हाइट जो उसे लग रहे हैं पूरा। और दोस्तों मतलब रास्ते में भी आते मतलब आ रहे थे ना उधर से, तो मतलब भाभी उन लोग पूरा एकदम हमको बोल रहे थे कि कहा मतलब शादी उदी करके आए हैं, कहा एकदम पूरा मतलब ऊपर से नीचे पूरा सफेद सफेद बने हैं ना, ऐसा लग ही रहे तो पूरा बहुत ही मजे लग रहा है, व्हाइट व्हाइट पहने अब पूरा बेस्ती कर रहा था मतलब रास्ते मारे थे तब औरत लोग, ऐसे दिख रहे तो क्या बोलेंगे, व्हाइट व्हाइट पहन लिए पूरा नीचे से ऊपर तक। दोस्तों अब हम लोग मतलब चलेंगे मतलब खेत तरफ, काम है वहाँ पर, कल देख रहे थे पानी की वजह से मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, मटर भी नहीं तोड़ सके, मतलब ये नहीं जाएगी
हम जाएंगे और माँ भी जाएंगे, अभी खाना खाएंगे। तो देख सकते मम्मी भी बोल रहे हैं कि तुम तो मतलब बोर बाबू जी सर लग रहा है। देख सकते मतलब माँ भी बेस्ती कर रही है, मतलब कि क्या ही बोले अब, सब कोई बोल रहा है ये वाला कि शादी करके आया है क्या तुम। दोस्तों अब जाएंगे नहाने के लिए और ये सब उतार देंगे, खोल के फ्रिज देंगे। बहुत कोई बोल रहा है, कल भी बहुत बोल रहा था और मतलब आज भी बहुत बोल रहा है लोग, दूल्हा बाबू दूल्हा बाबू। तो इसको पहले उतार लेंगे, उसके बाद जो करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नहाने के लिए। तो दोस्तों हम नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके और देख सकते हैं ड्रेस भी चेंज कर दिए, वाइट वाइट हटा दिए हैं और अब दूसरा डाल दिए हैं। इसमें अब दूल्हा जैसा नहीं दिख रहे होंगे, अब बाराती जैसा दिख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं खेत में सीधे। तो हम बारी में पहुँच चुके और देख सकते हैं माँ अभी कुआँ से पानी निकाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी वैसा कुछ तो काम नहीं है, तो मम्मी अभी जाएगी मतलब नदी साइड वाला बारी में, वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम है। तो जोरी मतलब लाना है लकड़ी, तो वो ला लेंगे वो। और पापा अभी किधर गए हुए हैं, तो दोनों जानवरों को अब हम जाएंगे चराएंगे, उधर मतलब थोड़ा दूर चल गए हैं। तो चलते हैं अब उन लोग को देखते हैं किधर गए हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोनों मस्त परती टाँड में एकदम चर रहा है पूरा हैवी से। तो चलिए दोस्तों इन लोग को चरने देते हैं इसी तरह। दोस्तों दोनों उधर मस्त चर रहा और यहाँ हम यहाँ के भी बैठ गए और देख सकते हैं बादल पूरा मतलब छाया हुआ और दिन भर में आज मतलब आधा टाइम हो गया और अभी से मतलब सूरज उगा नहीं है, एक झलक भी नहीं दिखे हैं मतलब सूरज को। और इसी तरह मतलब छाया कर ले है, मतलब पूरा घेर ले है बादल। तो देखते हैं अब कब तक ऐसा होता है और अभी हम थोड़ी देर चराएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। अब दोस्तों इन दोनों को लगभग आधा घंटा चरा लिए, अब थोड़ा बारी साइड लेते चलेंगे, उधर भी कुछ काम है। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हाथी के पैरों के निशान, जो कि मतलब ये बहुत दिनों का है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा घास उग गया है, थोड़ा ज़्यादा ही दिन का ही वाला। तो चलिए दोस्तों जानवरों के लिए चलते थोड़ा बारी साइड में। तो दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पास में आ गए हैं और वहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर पालक का साग जो है तोड़ के यहाँ पर डब्बा में रख लिए और कितना मस्त लग रहा है पूरा हरा हरा। कौन सी दोस्तों ये साग को यहाँ परात में रखे हुए हैं। मटर तोड़ ले दोस्तों, अभी माँ मतलब घर जाएंगे और चलते हैं हम। अब तोड़ल तो मटर हो गया है आज, माँ इन लोग मतलब आके तोड़े थे, हम नहाने चल गए थे ना तभी। और देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही अब मटर नहीं है, पूरा ख़त्म हो गया। और पानी के वजह से और भी मतलब पूरा लेजर गेजर बारी हो गया है, फ्रेश नहीं दिख रहा। तो चलिए मटर तो पहले तोड़ते और खाते हैं पहले। दोस्तों मटर तो मिल नहीं रहा है, पूरा एकदम छोटा सा बड़ा सब तोड़ लिए, वो जान रहे मतलब कि अब तो मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो बस रख के यहाँ पर काकर में, इसलिए मतलब छोटा बड़ा सब तोड़ दिए हैं। अब जलते मतलब देख सकते हैं झोला में रखा हुआ, वहीं वाला उठाते हैं अब चुपके से। दोस्तों हम झोला के पास आ गए हैं, अब चलिए निकालते हैं एक साइड से। देख सकते हैं दोस्तों कुछ इतना सा निकाल लिए हैं और थोड़ा निकाल लेते हैं, मौका नहीं मिलेगा और खाने का। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इतना सा निकाल लिए हैं, अब चलिए इसको फिर से जैसे कि तैसे यहाँ पर अच्छा से कर देते हैं। तो यहाँ पर पूरा बारी में ये वाला मतलब दोनों बारी मिला के इतना सा हुआ है कुछ। चलिए अब इसको खाते देखते, हाथ में भी नहीं अट रहा है, तो चलिए पहले बैठ के खाते हैं यहीं पर बारी में। तो दोस्तों हम मटर खा लिए और देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ का काम लगभग यहाँ पर ख़त्म हो गया पूरा। यहाँ से देख सकते हैं ईंटा निकाल के साफ कर दिया, अब यहाँ पर दर कोड़ाएगा दोनों साइड में और दोनों जानवरों को रहने के लिए यहाँ पर घर बनाया जाएगा। देख सकते हैं ईंटा यहाँ पर भी है, उधर भी है, मतलब इसे बहुत ही पुराना ईंटा है, सबको ज़्यादातर टुकड़ा ही ईंटा है। और देख सकते हैं यहाँ पर कच्चू भी निकला है यहाँ पर मतलब अंदाजी मतलब इसका पौधा मतलब बाढ़ गया था तो यहाँ से निकला है इसको, मतलब इसको भी मतलब घर ले जाना है। दोस्तों अब चलते जान दोनों जानवरों के पास, उन दोनों मतलब उधर अकेले हैं तो फालतू दौड़ उड़ के नदी साइड चल जाएगा, उन लोग का आदत है नदी साइड मतलब ज़्यादा ही आदत हो गया जाने का, तो उधर ही दौड़ के चला जाता है। और मम्मी पापा तो गए हुए हैं अभी मतलब लकड़ी लाने के लिए नदी साइड वाला बारी में, तो हम लोग नदी धार बोलते हैं, नदी साइड एक ही है। मतलब माँ को मतलब घर जाना था तो लकड़ी मतलब कल बारिश आया है ना पानी, तो भीग गया है घर का सारा लकड़ी, इसलिए मतलब लकड़ी लाने के लिए गए हैं। तो दोस्तों दोनों के पास आ चुके हैं और देख सकते हैं दोनों एकदम पूरा मस्त मगन से चल रहा और देख सकते हैं बादल तो एकदम छाया ही हुआ है, एक को थोड़ा भी धूप नहीं निकला है अभी तक से, तो चलिए इन लोग को चराते हैं। दोस्तों अब पूरा मौसम मतलब पानी आने का जैसा कर दिया और हवा भी बह रहा है पूरा वैसा ही, तो चलिए इन लोग को लेके जहाँ सुबह खोटे थे ना वहीं पर खोट देंगे। तो मतलब पापा जी आएंगे उधर से, अगर पानी नहीं आएगा तो वो चरा लेंगे, नहीं तो फिर पापा आएंगे तो लेते जाएंगे और अब हम चलेंगे घर।
तो चलिए इन लोगों को पहले खोदते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इन दोनों को यहाँ पर लाके खोद दिए, और थोड़ा बहुत यहाँ पर पौड़ा बचा हुआ है, मतलब जो सुबह दिए थे वो पूरा, तो इन लोग खा रहा है मस्त। और चलेंगे दोस्तों अब हम घर, और मतलब मेरा कल का फ़ोन चार्ज किया हुआ है लगभग 9-10 बजे का, और पूरा बैटरी मतलब लो हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर, और लाइन भी मतलब रेगुलर नहीं आ रहा, और मेरा घर तो आ ही नहीं रहा, दूसरे घर में चार्ज देते हैं फ़ोन। तो चलिए दोस्तों अब घर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं फ़ोन चार्ज करेंगे पहले। तो दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं, और दूसरे घर रह रखा गए हैं, देख सकते हैं मतलब मेरा दोस्त का ही घर है, तो यहाँ पर अब चार्ज करेंगे पहले फ़ोन। दोस्तों देख सकते हैं अभी मतलब पूरा मतलब शाम हो गया है, और इसी का घर में यहाँ पर चार्ज दिए थे, और मेरा फ़ोन अब चार्ज हो गया है, अब कोई टेंशन बात वाली नहीं है। मेरा मतलब घर में लाइन नहीं आ रहा, और यहाँ पर इसका घर में लाइन आता है रेगुलर, तो इसके घर में चार्ज दिए थे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर में अपना। तो दोस्तों हम घर में आ चुके हैं, और देख सकते हैं मतलब लाइन की वजह से मतलब ब्लॉग सही से नहीं बना पा रहे हैं 2-3 दिन से। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल बनाए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, बाय बाय।